रामलीला का मंचन किया जा रहा था। इस दौरान गोली की आवाज से लोग चौंक गए। रामलीला के दौरान गोलीबारी से एक शख्स की जान चली गई। हल्द्वानी से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कमलुबा गांजा क्षेत्र में रामलीला मंचन के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक रामलीला मंचन के दौरान पेशे से अधिवक्ता उमेश नैनवाल को उनके चचेरे भाई ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद गंभीर अवस्था में घायल उमेश को रामलीला में मौजूद लोगों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा था कि जमीनी विवाद के चलते चचेरे भाई दिनेश नैनवाल को गोली मारी गई। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक का नाम उमेश नैनवाल है और जो हमलावर था वो भी इसका रिलेटिव ही है। दिनेश नैनवाल नाम बताया जा रहा है इसका। और पुलिस चप्पे चप्पे पर तलाशी कर रही है। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। जमीन का विवाद चल रहा है। वो जमीन है वो जिसकी जमीन है वो गुजर गए, वो जमीन में कब्जा करने के उसमें इन्होंने गोली मारी उमेश नैनवाल को। जो इसने गोली मारी वो दिनेश नैनवाल है, ताऊ का लड़का ही। और ये मारी है रामलीला में। तुम लोग रामलीला चली है वहीं मारी है। देखिए, आज रामलीला का एक कार्यक्रम चला था, उसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर गोली चलाई गई और उसमें जो घायल है उसको हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। तो बाकी पुलिस से जो है वो साक्ष्य संकलन कर रही है, उसके बारे में तलाश की जा रही है और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है कि गोली चलाने वाला कौन है। जल्दी जो भी गोली चलाने वाला है उसको गिरफ्तार करेंगे। देखिए, उस संदर्भ में अभी कोई ऐसी कोई चीज़ खुल के नहीं आई है, लेकिन जांच में अगर आगे कोई तथ्य आता है तो उससे पता लगता है कि किस आधार पर क्यों मोटिव से गोली मारी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।